हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक टिश्यू कल्चर फ्रॉम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट सेल्स और स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू इन अ सिंथेटिक मीडियम ऑफ कल्चर सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या होगा? आइसोलेटेड प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यू के स्मॉल पीसेस, और उसको हम सिंथेटिक मीडियम में रखेंगे। ठीक है, अब स्टेप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है। प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट है, सपोज ये ग्रोइंग टिप। ठीक है, यहां से हम टिश्यूज या सेपरेटिंग सेल्स को यहां से रिमूव करेंगे और इनको हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देंगे। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, टिश्यूज को रिमूव किया, टिप, ग्रोइंग टिप, ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट से हमने कुछ सेल्स को, टिश्यूज को रिमूव किया और उनको हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाला। इसके बाद जो प्लांट टिश्यूज है वो डिवाइड होने लगेंगे टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। तो यहाँ पर ये जो टिश्यू हम यहाँ पर लेके आए वो डिवाइड होने लगेगा और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, दैट इज नोन एज कैलस। इसके बाद जो कैलस बना उसको हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। कैलस को, कैलस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, और इससे हमें क्या मिलेगा, प्लांटलेट्स। इससे हमें मिलेंगे प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे। फिर प्लांटलेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे पॉट में या सॉइल में। ठीक है, और वो एक सेपरेट प्लांट जैसे ग्रो करने लगेगा। इस मेथड को हम यूज करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, और जैसे ऑर्चिड्स या डेलिया के लिए यूज किया जाता है। लास्टली, इस मेथड को माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे